प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने महामहिम से आग्रह करते हुए कहा कि 75% रोजगार हरियाणा वासियों को मिले और इसके लिए अध्यादेश को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अपना कंसेंट देकर महामहिम लागू करे। एक अध्यादेश और दो लेबर और फैक्ट्री लॉ के अंदर अमेंडमेंट हमने प्रपोज किए थे, जिनमें से दो पर राष्ट्रपति का कंसेंट लेने महामहिम ने भेजा था और एक पर एजी का एडवाइस भी महामहिम ने लिया है। हमने यही आज आग्रह किया है कि महामहिम जो हमारा 75% हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस है, उसको भी एक्सपीडिशियस तरीके से प्रोसेस करें। उसमें अगर कोई उनकी तरफ से ओपिनियन है जो प्रदेश सरकार को ऐड करना चाहिए उसके ऊपर भी, या फिर इस ऑर्डिनेंस को जैसे आंध्र प्रदेश के महामहिम ने प्रदेश के अंदर ही अपना कंसेंट देकर इसको लागू किया था, हरियाणा प्रदेश में भी लागू करने का काम कर। एक रजिस्ट्रियों के लिए जो अपडेट होने की बात थी उसके लिए आज बैठक हुई है और बैठक में तमाम विभाग, HSIDC हो, HSVP हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पंचायती राज हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, हरियाणा पुलिस हो, तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक एक विषय पर चर्चा हुई। रजिस्ट्रियों को खोलने के मुद्दे पर भी दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर वे तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगले सोमवार से शुरू की जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री होगी उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलने का काम करेंगे और इसके साथ केवल मात्र अपॉइंटमेंट ही नहीं, अगले मंडे से फिर जो हमारी 18 कमेटीज, काउंसिल्स और कॉरपोरेशंस हैं उसकी भी NOC की ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलेंगे। एक जरूर फैसला लिया गया है कि जैसे पहले तत्काल के अंदर अगर आपको बुकिंग करानी है तो तहसील में जाना पड़ता था, अब अगर किसी व्यक्ति को तत्काल में अपॉइंटमेंट लेना है तो उसको अपनी जो तत्काल की फीस है वो अपने क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से जो हमारी वेबसाइट है उस पर भर सकता है और व्यक्ति को ऑनलाइन तत्काल का अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हो। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी एग्जाम को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि 90% से ऊपर के बच्चे सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन के पेपर दे चुके हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ जोड़कर एडिशनल ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया जाएगा। सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज या स्टाफ सिलेक्शन के पेपर देते हैं या अलग अलग कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं उनको भी हम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ एडिशनल ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि जो 13 लाख कैंडिडेट्स प्रदेश भर के अंदर रजिस्टर्ड हैं अलग अलग हमारी बॉडीज़ के अंदर, चाहे वो रोजगार विभाग के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हो, सक्षम में हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो, उन तमाम लोगों को अब हम फोन करके उनकी प्रेफरेंस और साथ में आगे इंडस्ट्री की जो प्रेफरेंस है उनके साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कॉल सेंटर ने ऑलरेडी 13 लाख की सूची में से 3 लाख कैंडिडेट्स को कॉल कर उनकी प्रेफरेंस लेने का काम किया। सर, सिर्फ 3 लाख को ही कॉल जाएगा, सब 13 के 13 लाख को कॉल? सब 13 के 13 को जाएगा, मगर रोजगार भवन जिसके अंदर कॉल सेंटर बना है, 1 महीने पहले उसका शुभारंभ हुआ था,
उससे लेकर आज तक 3 लाख कैंडिडेट्स को हमने कॉल कर उनसे कनेक्ट करने का काम किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को चंडीगढ़ में थे, जहां वे राज्यपाल से मिले और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।